हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए यानी कि नवजात शिशु के लिए यहाँ पे एक कैप बनाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे टू पीस लिया, इस तरह से कॉटन की फैब्रिक है ये। आप चाहे तो कोई भी सॉफ्ट फैब्रिक ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो पीस लिया इस तरह से। अब इसकी हम लंबाई और चौड़ाई देखेंगे। तो इसकी लंबाई ली मैंने 8 इंच और इसकी चौड़ाई देखेंगे हम 13 इंच। इस तरह से मैंने यहाँ पे दो पीस लिए और इसकी डोरी के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से मैचिंग का एक फैब्रिक लिया। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में भी कर सकते हैं। 2 इंच चौड़ी और लंबाई यहाँ पे देखिए हमने 31 इंच ली। आप चाहे तो 28-30 भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पट्टी के लिए, सर के ऊपर जो पट्टी आती है उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 इंच चौड़ी और इसकी लंबाई ली मैंने यहाँ पे 16.5 इंच। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए ये दो पीस है, इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम ये 4 पीस इस तरह से 4 फोल्ड हो जाएगा। ये डबल फोल्ड पहले से है तो इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। इस साइड से हम 1 इंच लेंगे यहाँ पे इस साइड से हम 1.5 इंच लेंगे और इस साइड से हम 1 इंच लेंगे। अब इसे देखिए, यहाँ से 1 इंच लिया हमने और इस साइड से भी 1 इंच, इस साइड से 1.5 इंच। इसे हम थोड़ा सा गोलाई का शेप देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें गोलाई का शेप देना है। इसे हम कट कर लेंगे। इसे हमने कट कर लिया है। अब देखिए इस तरह से हम ये पीस को अलग कर लेंगे। इन्हें हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद इस तरह से हम गोलाई में सिलाई लगाएंगे और इसे भी हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसे भी हम गोलाई की तरफ से हम 1/4 इंच छोड़ के सिलाई लगाएंगे। दोनों को हम सिलाई लगा देंगे, बाद में हम इसे ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से गोलाई में सिलाई लगा दी और इसे हम थोड़ा सा कट लगाएंगे। देखिए सिलाई ना कटे तो थोड़ा थोड़ा सा हम गोले की तरफ से इसे कट कर लेंगे। सीधा करेंगे इसे और इस जो सिलाई है देखिए मार्जिन, इसे हम इस तरह से हाथों से या फिर प्रेस से थोड़ा सा दबा देंगे। सीधा करेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमें ये जो मार्जिन है इसे हम इस तरह से फैला देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसे इस तरह से रखेंगे। देखिए रॉन्ग साइड पे, रॉन्ग साइड उल्टी जो साइड है इसे हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और दोनों को पकड़ के हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से फेस की तरफ से हम, और यहाँ से नीचे से भी हम पूरा पकड़ के दोनों को चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इसे चारों तरफ से हमने सिलाई लगा दी और देखिए इस तरह से दोनों साइड से हमारी एक कैप इस तरह से दिखेगी। अब इसे हम यहाँ पे एक पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो जो मैंने देखी यहाँ पे पट्टी निकाली है, इसे हम लेंगे और इसके साइड से, या चाहे तो फिर आप अंदर से भी ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ से पूरे पट्टी को हम इस तरह से राउंड में ज्वाइन कर लेंगे एक साइड से, बाद में हम इसे पलट के दूसरे साइड से ज्वाइन करेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को एक साइड से ज्वाइन कर दी। इसे हम थोड़ा सा कट लगाएंगे। इसे सीधा करेंगे। ये देखिए इस साइड से हमने पट्टी ज्वाइन करी थी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये पट्टी को हम एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर ये देखिए सिलाई के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे सिलाई इसके ऊपर रखेंगे, ये जो हमने फोल्ड किया है इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर रख के ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर इसे सिलाई लगाएंगे। फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी। ये देखिए अंदर से भी इस तरह से, आप किस साइड से भी, इस साइड से भी पहनाओ, इस साइड से भी पहनाओ, दोनों साइड से ये देखिए इसकी सिलाई भी नहीं दिखती है। आप चाहे तो इसके ऊपर लेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक लेस है, मैं यहाँ पे एक लेस लगा दूंगी, इस तरह से एक सिलाई लगा दूंगी लेस की। तो यहाँ देखिए ऊपर के साइड से मैंने लेस ज्वाइन कर ली। अब इसे हम डोरी बनाएंगे, गले के साइड से हम डोरी बनाएंगे। इसके लिए मैंने देखिए ये जो मैंने पहले पट्टी निकाली थी, इसे हम क्या करेंगे, इसका पहले सेंटर निकालेंगे, पट्टी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसका सेंटर निकाल लेंगे। जहाँ से भी आपको सिलाई लगाना है वहाँ से आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नेक साइड में जो हमने फोल्ड किया था सेंटर में हम इसे रखेंगे इस तरह से। ये देखिए ये सेंटर में ये कैप की यहाँ पे सेंटर पे ये हमने जो कट लगाया था इसे रखेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे नीचे से, नीचे से पूरी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने गले की तरफ हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी, पट्टी को ज्वाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक साइड से देखिए इसे हम इस तरह से एक साइड से हम इसे फोल्ड करेंगे और आपको जितनी नीचे की डोरी चौड़ी रखनी है उसके अकॉर्डिंग इसे फोल्ड कर सकते हैं। अब नीचे एक साइड से हमें इसे फोल्ड करना है इस तरह से। पहले एक साइड से हम इसे डोरी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, नीचे एक साइड से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे भी हम इस तरह से सीधा रखेंगे। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर देखिए इस तरह से हम इसे भी हम इसके ऊपर रखेंगे और इसे वापस इस तरह से फोल्ड करेंगे। जितनी चौड़ी बारीक चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे इस तरह से प्रेस करके लिया है और देखिए यहाँ से फोल्ड किया है, एक साइड से फोल्ड किया है। इस साइड से फोल्ड करने के बाद इसे वापस हम फोल्ड करेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे। इसे हम इसके अंदर फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से पट्टी को रख के सीधी सिलाई लगा के पूरी यहाँ पे ये डोरी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ये डोरी बन के तैयार हो गई। ये देखिए इस तरह से, और देखिए दोनों साइड से भी आप पहन सकते हैं इस तरह से भी। ये देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये सिंपल सी कैप बन के तैयार है। दिखने में बहुत ही बढ़िया और पहनने में आरामदायी है। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।